अगर आप बैंक एम्बुलेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक एम्बुलेंस का कोर्स है, इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोज के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ, उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल ई, फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस अंडर फैम एंड अदर रेगुलेशंस। उसका हमने यूनिट 6 शुरू करा हुआ था जिसका नाम था ओपनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रूपी और फॉरेन करेंसी वॉस्ट अकाउंट्स एंड रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स अकाउंट। ठीक है, इसको हम पूरे चैप्टर को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड करा था। ठीक है, हमने पहला पार्ट अपना खत्म करा था, दैट वाज अबाउट ऑपरेशंस ऑफ रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस। सबसे पहले हमने ये देखा वोस्ट्रो अकाउंट्स होते क्या हैं, उनकी परमिटेड ट्रांजेक्शन क्या हैं, रूपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, फिर कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस देखी, कुछ रिपोर्टिंग एंड स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट्स देखी एंड एनुअल रिव्यू की हमने रिक्वायरमेंट देखी। ठीक है, आज हम अपना सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स बैंक, कि जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स बैंक्स हैं वो अकाउंट्स खुलवा सकते हैं इंडिया के अंदर, किस तरीके से हम उसको देखने वाले हैं। उसके अंदर हम कुछ जनरल प्रोविजंस को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद रुपी अकाउंट्स क्या होते हैं उनको समझेंगे, पेइंग एंड रिसीविंग बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रुपी जो रेमिटेंसेस होंगी उनके रिफंड्स किस तरीके से डील करे जाएंगे एंड जो भी इन अकाउंट्स के अंदर पैसा रखा जाएगा, जो भी रुपी अकाउंट्स होंगे उनके अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट्स और लोन की फैसिलिटीज किस तरीके से प्रोवाइड करी जा सकती है उसको देखेंगे एंड इंटर बैंक फॉरन एक्सचेंज डीलिंग्स किस तरीके से होंगे हम उसको देखेंगे। एंड अपना कुछ पार्ट हम थर्ड पार्ट भी शुरू करेंगे, दैट विल बी अबाउट डिपॉजिट एंड अकाउंट्स फॉर नॉन रेजिडेंट। उसके अंदर हम डेफिनेशंस, कुछ एग्जम्पशंस एंड कुछ एनआरआईस के अकाउंट्स आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सब डिस्कस करने से पहले एक जो डेफिनेशन है जो अब हमें सेकंड पार्ट में भी काम आने वाली है, दैट इज अबाउट द वोस्ट्रो अकाउंट। तो वोस्ट्रो अकाउंट की डेफिनेशन एंड नोस्ट्रो अकाउंट की डेफिनेशन दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। नोस्ट्रो अकाउंट बेसिकली क्या होता है, आर मनी ऑन डिपॉजिट एट योर बैंक इन योर करेंसी या अकाउंट हेल्ड बाय आर बैंक इन फॉरेन करेंसी एट अनदर बैंक, एंड जब उसी अकाउंट को हम दूसरे बैंक के पर्पज से देखते हैं जहां पैसा डिपॉजिट कराया जाता है, दैट विल बी नोन एज द वोस्ट्रो अकाउंट। सो योर मनी ऑन डिपॉजिट एट आर बैंक, योर अकाउंट हेल्ड बाय फॉरेन बैंक इन डोमेस्टिक कंट्री एट आर बैंक। इसकी एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें, हम लेते हैं देयर विल बी टू बैंक्स, बैंक ए बी सी, बैंक डीईएफ। ठीक है, एबीसी बैंक इज फ्रॉम इंडिया, डीईएफ बैंक इज फ्रॉम यूएसए। जब यूएसए वाला बैंक इंडिया के अंदर एक अकाउंट खुलवाएगा इन आईएनआर, इट विल बी नोन एज वोस्ट्रो अकाउंट। तो इसको ये कहा जाएगा कि एबीसी बैंक के पास डीईएफ बैंक का एक वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन। ठीक है, एंड जब हम इसी सेम बैंक अकाउंट को फ्रॉम पॉइंट ऑफ डीईएफ देखेंगे तो डीईएफ क्या बोलेगा, मैंने अपना एक नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन कर रखा है विद एबीसी बैंक इन इंडिया। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट। सो चलो हम अपना सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है, दैट इज सबसे पहले तो सेकंड पार्ट का नाम क्या है, अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट बैंक। जो नॉन रेजिडेंट बैंक होंगे उनके कुछ अकाउंट्स को डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ जनरल प्रोविजंस क्या है। ठीक है, जनरल प्रोविजन में सबसे पहली चीज आती है, क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट बैंक इज परमिटेड, मेथड ऑफ पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट एंड इज देयरफॉर सब्जेक्ट टू द रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू द ट्रांसफर इन फॉरेन करेंसी। बेसिकली आपने सपोज किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करनी है तो उसके लिए एक मेथड क्या यूज कर सकते हैं हम, कि सपोज एक नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट है, आपके नॉन रेजिडेंट का नाम ले लेते हैं हम एसजी, एक पर्सन है जो कि नॉन रेजिडेंट है। ओके, ठीक है, एक बैंक है एबीसी बैंक जो कि क्या है, यूएसए का बैंक है, ये यूएसए का ही बंदा है। ठीक है, यूएसए का बैंक है। अब पर्सन आता है, पर्सन का हम नेम लेते हैं एमजी। एमजी ने बेसिकली क्या करना है, एसजी को पेमेंट करनी है। तो एक तो मेथड है कि एसजी के अकाउंट में ट्रांसफर करे, दूसरा मेथड यह है कि वो एमजी एबीसी बैंक के अंदर ट्रांसफर करा दे, एबीसी बैंक का जो नॉन रेजिडेंट अकाउंट होगा उसके अंदर ट्रांसफर करा दे एंड उसके बाद उसको कह दिया जाए कि अब क्या करो, जो यह पैसा मैंने डिपॉजिट कराया आप एसजी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो इस मेथड के थ्रू भी क्या करी जा सकती है, नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट करी जा सकती है।
इस तरीके से अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो इसके अंदर ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, इसलिए जो भी रेगुलेशंस लगते हैं विद रिगार्ड टू द फॉरेन करेंसी वो इन ट्रांजेक्शन के ऊपर भी लगने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो हुआ कि आप किस तरीके से नॉन रेजिडेंट बैंक के अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हो, उसमें जमा करा सकते हो ताकि वो नॉन रेजिडेंट के अंदर पेमेंट कर सके। उसके बाद अब इसके अंदर से डेबिट किस तरीके से हो सकता है, डेबिट इस तरीके से हो सकता है, डेबिट टू द अकाउंट ऑफ नॉन रेजिडेंट बैंक इज इन इफेक्ट एंड इनवर्ड रेमिटेंस इन फॉरन करेंसी, कि जब वो इनवर्ड रेमिटेंस करेगा इन फॉरन करेंसी, मतलब अपनी फॉरन करेंसी के अंदर जब वो पैसा बाहर लेके जाना चाहता है तो वो बाहर लेके जा सकते हैं, उसके अकाउंट में से पैसा निकाल के उसको पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास अकाउंट आता है दैट इज नोन एज रूपी अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट बैंक्स। नॉन रेजिडेंट बैंक्स क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर रूपी डोमिनेटेड अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, और जो ये अकाउंट खोले जाएंगे ये क्या होंगे, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग होंगे, इनके ऊपर किसी भी तरीके का आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो रूपी डोमिनेटेड अकाउंट्स हैं ऑफ नॉन रेजिडेंट बैंक्स, ये किन किन बैंक से खुल सकते हैं, या तो जो भी ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी वन ब्रांच है उसकी ही कोई ओवरसीज ब्रांच हो, या कोई उसके कोरेस्पोंडेंट्स हो जिसके साथ वो बिजनेस कर रहा हो, तो बिना रिजर्व बैंक की परमिशन के रूपी डोमिनेटेड अकाउंट्स उनके खोले जा सकते हैं। बट अगर आपको रूपी डोमिनेटेड अकाउंट्स खोलने हैं फॉर पाकिस्तानी बैंक्स जो पाकिस्तान से बाहर वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से स्पेसिफिक अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बाकी अगर अदर कंट्रीज के आप रूपी डोमिनेटेड अकाउंट्स बिना परमिशन के भी खोल सकते हैं। ठीक है, रूपी डोमिनेटेड अकाउंट्स में सबसे पहला पार्ट आता है फंडिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट बैंक्स, कि इनके अंदर पैसा किस तरीके से आए। ठीक है, तो एटी कैटेगरी वन ब्रांच क्या कर सकते हैं, अपने जो ओवरसीज कोरेस्पोंडेंट है या ओवरसीज ब्रांचेज हैं उनसे मार्केट रेट के बेसिस के ऊपर फॉरेन करेंसी फ्रीली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीली वो मार्केट करेंसी परचेज क्यों कर रहे हैं, ताकि जो भी उनकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन की नीड्स है उसको पूरा करा जा सके। ठीक है, तो बेसिकली आप अपनी डेली ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी की नीड्स को पूरा करने के लिए अपने ओवरसीज ब्रांचेस से क्या कर सकते हो, फॉरेन करेंसी खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन करी जाएगी वो क्या होंगी, क्लोजली मॉनिटर होंगी। ठीक है, और ये हमने इंश्योर कराना है कि जो भी ओवरसीज बैंक से हमने फॉरेन करेंसी ली है वो एक्चुअली हम अपने बोनाफाइड ट्रांजेक्शंस के लिए कर रहे हो, स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए ये ट्रांजेक्शंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसे इंस्टेंसेस मिलते हैं जिसमें आपको ये पता लगता है कि ट्रांजेक्शंस एक्चुअली स्पेक्यूलेटिव पर्पस से हुई है, तो आपको उस चीज को क्या करना है, नोटिफाई करना है टू द आरबीआई बैंक। ठीक है, उसके बाद फॉरवर्ड परचेज ऑफ और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी अगेंस्ट रूपी फॉर फंडिंग इज प्रोहिबिटेड। फॉरवर्ड परचेज और फॉरवर्ड सेल मतलब डेरिवेटिव फॉर्म्स के अंदर आप फॉरेन करेंसी को परचेज नहीं कर सकते। आपको फॉरेन करेंसी जो परचेज करनी है वो आपको सिर्फ फंडिंग के पर्पस से ही परचेज करनी है, लाइक ऑन द रियल टाइम परचेज करनी है। डेरिवेटिव वाली ट्रांजेक्शन आपको परमिटेड नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है। उसके अलावा फॉरेन करेंसी में बेसिकली क्या होता है, टू वे कोड्स दिए जाते हैं। टू वे कोड्स का मतलब आपको बाइंग रेट अलग दिया जाता है एंड सेलिंग रेट अलग अलग दिया जाता है, दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। तो जब आप नॉन रेजिडेंट बैंक्स के अंदर फंडिंग की बात कर रहे हो उस केस में आपको टू वे कोड्स प्रोवाइड नहीं करने हैं, सिर्फ ओनली वन वे कोड्स ही आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, सो अभी तक हमने बेसिकली क्या देखा, रुपी अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट बैंक्स खोले जा सकते हैं। जो नॉन रेजिडेंट बैंक्स है वो हमारे ओवरसीज ब्रांचेस भी हो सकती है, हमारे ओवरसीज कोरेस्पोंडेंट्स भी हो सकते हैं, उसके लिए हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो बैंक कोई पाकिस्तानी बैंक है तो आपको उसके लिए क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई की स्पेसिफिक अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमने देखा फंडिंग किस तरीके से करी जाएगी, फंडिंग किस तरीके से करी जा सकती है, बैंक्स क्या कर सकते हैं, उनसे फॉरन करेंसी खरीदें एंड जो फॉरन करेंसी का जब उन्हें पैसा पे करना है उनके नॉन रुपी वाले अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दें। ठीक है, बट हमने ये इंश्योर कराना है कि जो हम फॉरन करेंसी खरीद रहे हैं अपने ट्रांजेक्शन के लिए खरीद रहे हो, स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए वो हम चीजें ना खरीद रहे हो। इन केस को स्पेक्युलेटिव पर्पस हमें पता लगता है, हमें उस चीज को क्या करना है, आरबीआई को नोटिफाई कर देना है। ठीक है, उसके अलावा फॉरवर्ड परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसीज इसके अंदर अलाउड नहीं है, हम सिर्फ ऑन टाइम रियल बेसिस के ऊपर ही करेंसीज इसके अंदर बाय करेंगे एंड उसका पैसा रूपी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवाएंगे। इसके अलावा आपको जो कोड्स देने हैं टू वे कोड्स आपको परमिटेड नहीं है, आपको सिर्फ सिंगल कोड ही देना है। उसके बाद आता है ट्रांसफर फ्रॉम अदर अकाउंट्स, ट्रांसफर किसी और अकाउंट से विद इन द सेम बैंक और डिफरेंट बैंक इज फ्रीली परमिटेड। एक बैंक से दूसरे बैंक में या सेम बैंक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा जा सकता है। उसके अलावा कन्वर्जन ऑफ रुपीज इन फॉरेन करेंसी, तो रुपी अकाउंट के अंदर जो बैलेंस पड़ा है उसको फ्रीली क्या करा जा सकता है, फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करवाया जा सकता है। क्योंकि अभी हमने देखा जो परमिसेबल डेबिट्स थे, परमिसेबल डेबिट्स क्या थे, जो हमने ये देखा था कि नॉन रेजिडेंट्स क्या कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी के अंदर अपने इनवर्ड रेमिटेंसेस कर सकते हैं। तो अगर इनवर्ड रेमिटेंसेस वो अपनी कंट्री में लेके जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, रुपी को अपनी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा के ही लेके जा रहे हैं, तो उस चीज की क्या दे दी गई है, फ्रीली हमें परमिशन दे दी गई है। उसके बाद जो भी आपने ट्रांजेक्शन करनी है आपको अपने फॉर्म ए टू के अंदर बतानी है एंड इनके रिगार्डिंग जो भी डेबिट्स हुए होंगे वो आपको फॉर्म थ्री के अंदर क्या करने हैं, डिस्क्लोज करने हैं। तो बेसिकली आपको दो रिटर्न्स, दो फॉर्म्स भरने हैं इसके अंदर, फॉर्म ए टू एंड फॉर्म ए थ्री।
ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेइंग एंड रिसीविंग बैंक. सो इन द केस ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट्स द पेइंग बैंकर शुड एंश्योर दैट ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर मेट एंड आर करेक्टली फर्निश्ड इन फॉर्म A1 A2 एज द केस में बी. बेसिकली क्या है, जो रिसीविंग बैंक इसमें कौन हुआ, जो भी नॉन रेजिडेंट बैंक है जिसके अकाउंट जिसका हम नॉन रुपी अकाउंट खोल रहे हैं. ठीक है, जब पेइंग बैंकर उनको पैसा पे कर रहा है तो पेइंग बैंकर को इंश्योर कराना है कि जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उनका हमने कंप्लाई करा है एंड जो भी हमने डिटेल्स भरनी थी इन द फॉर्म A1 और A2 वो हमने क्या कर दी है, प्रॉपर फिल करके उसको सबमिट करवा दिया है. नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफंड ऑफ रूपी रेमिटेंसेस. रिफंड ऑफ रूपी रेमिटेंसेस में बेसिकली क्या आता है कि आपने रुपी अकाउंट के अंदर पैसा डाला, उसके अंदर से रिफंड किस तरीके से करा जा सकता है. तो सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन और रिफंड ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस मे बी कंप्लाइड विद विदाउट रेफरेंस ऑफ द रिजर्व बैंक आफ्टर सेटिस्फाइंग देमसेल्फ दैट द रिफंड्स आर नॉट बीइंग मेड इन कवर ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ कंपनसेटरी नेचर. रिफंड्स आपको अलाउ करे जाएंगे, उसके लिए आपको आरबीआई की परमिशन नहीं लेनी है, बट हमें सिर्फ ये इंश्योर कराना है कि वो कंपनसेटरी नेचर के नहीं होने चाहिए. कंपनसेटरी नेचर के नहीं होने चाहिए मतलब कि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होने चाहिए. लाइक एक पर्सन ने आपको पैसा पे करा कि आप क्या करो, नॉन रेजिडेंट को पैसा पे कर देना, ठीक है, बट क्या हुआ उनकी बाद में डील कैंसिल होगी, तो अब वो जो बंदे ने पैसा डिपॉजिट कराया था वो नॉन रेजिडेंट को तो पे होना नहीं, वो तो अपना पैसा वापस मांगने आए गई, तो वो पैसा मांगने आया तो आप उसको उस तरीके से रिफंड कर सकते हो, बट वो कंपनसेटरी नेचर का नहीं होना चाहिए. कंपनसेटरी नेचर में आता है कि लाइक किसी तरीके का लॉस हुआ आप उसको कंपनसेट कर रहे हो, उस तरीके के रिफंड आपको अलाउड नहीं है. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप रिफंड देना चाहते हो, कैंसिलेशन करना चाहते हो, वो आपको अलाउड है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास ओवरड्राफ्ट लोन्स टू ओवरसीज ब्रांचेस कोरेस्पोंडेंट बाय एडी कैटेगरी 1 ब्रांच. सो जो रुपी अकाउंट के अंदर आपका पैसा खड़ा है उसके अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट और लोन की जो फैसिलिटीज दी जा सकती हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो सबसे पहले तो क्या है, ओवरसीज ब्रांचेस ओवरसीज कोरेस्पोंडेंट को टेम्परेरली ओवरड्रॉल्स की परमिशन दी गई है, बट उसके ऊपर लिमिट लगा दी गई है. लिमिट क्या है, लिमिट है 500 लाख. क्या मैक्सिमम इन टोटल क्या कर सकते हो, 500 लाख के ही विड्रॉल्स अलाउ कर सकते हो. जो भी ये लिमिट अप्लाई होगी वो किस पे अप्लाई हो रही है, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगेंस्ट ऑल ओवरसीज ब्रांचेस एंड कोरेस्पोंडेंट्स. मतलब हमारे पास जितने भी रुपीज अकाउंट खोले गए हैं उस रुपी अकाउंट का टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितनी भी है उससे आप क्या कर सकते हो, 500 लाख के एक्सेस ओवरड्रॉल्स अलाउ कर सकते हो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. 500 लाख मतलब कितना होगा, ₹5 करोड़. ठीक है, तो मैक्सिमम ₹5 करोड़ के ही विड्रॉल्स ओवरड्रॉल्स क्या है परमिट करे गए हैं. ठीक है, उसके बाद जो ये फैसिलिटी आप यूज कर ले वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए, ना कि डिले फंडिंग ऑफ अकाउंट्स के लिए यूज हो. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए आप अलाउ करो, उसके ऊपर आपके अलग तरीके से लिमिट दी गई है. इन केस जो आपके ओवरड्राफ्ट्स हैं वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा चले जाते हैं एंड 5 दिन के अंदर अंदर उसका पैसा एडजस्ट नहीं करा जाता, मतलब वो पैसा वापस नहीं आता, तो आपको क्या करना है, इसकी एक रिपोर्ट बनानी है एंड इस रिपोर्ट को सबमिट करना है टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इन द 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ. एंड उसके अंदर आपको क्या करने हैं, रीजंस भी बताने. ठीक है, इन केस जो आपकी वैल्यू डेटिंग के एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स है वो पहले ही फिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. वैल्यू डेटिंग मतलब कि किस तरीके से इस चीज को एडजस्ट करा जाएगा, किस तरीके से वैल्यू करा जाएगा, उस केस में आपको कोई भी रिपोर्टिंग देने की जरूरत नहीं है. रीजन बीइंग आप क्या आ चुके हो, पहले ही अरेंजमेंट्स अपनी कर चुके हो. ठीक है, उसके बाद जो आपकी लिमिट दी गई है 500 लाख की, अगर आप उससे ज्यादा के ओवरड्रॉल्स परमिट कराना चाहते हो और उसके ज्यादा इससे क्रेडिट फैसिलिटी देना चाहते हो तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी. आरबीआई की अप्रूवल लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने रीजंस बताने हैं एंड रिक्वेस्ट करनी है टू द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उसके बाद क्या करा जा सकता है, उस रिक्वेस्ट को कंसिडर करा जाएगा, रीजंस को कंसिडर करा जाएगा एंड उसके बेसिस पे आपको शायद अलाउ कर दिया जाए कि आप उससे ज्यादा भी ओवरड्रॉल्स परमिट करवा सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटर बैंक फॉरन एक्सचेंज डीलिंग्स. तो इंटर बैंक मतलब एक दो बैंकों के बीच में होने वाली फॉरन एक्सचेंज डीलिंग्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहले तो जो भी एटी कैटेगरी में ब्रांच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उन्हें क्या करना है, एक तो पॉलिसीज बनानी है एंड सुटेबल लिमिट्स को फिक्स करना है रिगार्डिंग वेरियस ट्रेजरी फंक्शंस. इस लिमिट्स में बेसिकली क्या आ सकता है कि आपकी जो नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशंस होगी, एग्रीगेट गैप लिमिट्स होंगी वो कितनी होंगी एंड जब वो आप अपनी वो लिमिट्स फिक्स कर लोगे आपको उस लिमिट्स को फिक्स करना है एंड उसको क्या करना है, रिजर्व बैंक को कम्युनिकेट कर देना है. ठीक है, उसके बाद इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस आपने करनी लिमिट्स के अंदर अंदर ही है एंड आप कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कर सकते हो उसकी हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करी गई है, वो हम देखते हैं. सबसे पहले
बैंक्स इंटर बैंक में ट्रांजेक्शन विद एटी कैटेगरी वन बैंक्स इन इंडिया, मतलब एक ऑथराइज डीलर दूसरे ऑथराइज डीलर के साथ क्या ट्रांजेक्शन कर सकता है। सबसे पहले तो है बाइंग सेलिंग स्वैपिंग फॉरेन करेंसी अगेंस्ट रूपीज और अनदर फॉरेन करेंसी। एक करेंसी को खरीदना बेचना या स्वैप कराना अगेंस्ट रूपी या एनी अदर फॉरेन करेंसी परमिशेबल है। सेकेंड प्लेसिंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग लैंडिंग इन फॉरेन करेंसी, की या तो डिपॉजिट्स देना डिपॉजिट्स लेना बोरोइंग करना या बोरोइंग्स को लैंड करना इन फॉरेन करेंसी टू द अदर ऑथराइज डीलर भी क्या करा गया है, अलाउ करा गया है। ठीक है, उसके बाद ट्रांजेक्शन इंटरबैंक ट्रांजेक्शन विद बैंक्स ओवरसीज एंड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनके अंदर क्या क्या परमिसेबल है। बाइंग सेलिंग स्वैपिंग फॉरेन करेंसी अगेंस्ट अनदर फॉरेन करेंसी टू कवर क्लाइंट पोजिशन और फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ओन पोजिशन, कि आप फॉरेन करेंसी बाय सेल और स्वैप कर सकते हो ओनली टू कवर ट्रांजेक्शन और फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ओन पोजिशन। सेकेंड इनिशिएटिंग ट्रेडिंग पोजिशन इन द ओवरसीज मार्केट, कि अगर ओवरसीज मार्केट के अंदर आप अपनी ट्रेडिंग पोजिशन को इनिशिएट कराना चाहते हो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन विद द फॉरन बैंक कर सकते हो। उसके बाद फॉर्म ए टू नीड नॉट टू बी कंप्लीटेड फॉर सेल्स इन द इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, बट ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपको आर रिटर्न के अंदर तो सबमिट करवानी ही पड़ेगी, आर रिटर्न के अंदर आपको आरबीआई को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है, दैट वाज अबाउट द अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट बैंक्स। इसके हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने जनरल प्रोविजंस देखी। जनरल प्रोविजंस में सबसे पहले हमने क्या देखा कि नॉन रेजिडेंट बैंक्स के अंदर जो भी नॉन रेजिडेंट बैंक्स हमारे पास रुपी अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है, उनके अंदर क्रेडिट किस तरीके से हो सकते हैं, उनके अंदर कोई बंदा पैसा जमा करा सकता है ताकि नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करी जा सके। तो इसके अंदर अगर फॉरेन एक्सचेंज, ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व हो गया, तो इसके अंदर जो भी रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू द फॉरेन करेंसी वो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। उसके बाद इनमें से डेबिट किस तरीके से हो सकता है, जो नॉन रेजिडेंट बैंक है वो क्या कर सकता है, इनवर्ट रेमिटेंस कर सकते हैं ना फॉरेन करेंसी, एंड उसके थ्रू भी क्या करी जा सकती है, डेबिट करे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रुपी अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट बैंक्स आप बिना रेफरेंस टू द आरबीआई बैंक भी खोल सकते हो। किस किस के खोल सकते हो, ऑफ देयर ओवरसीज ब्रांचेस और ओवरसीज कॉरेस्पॉन्डेंट्स, बट अगर वो ओवरसीज ब्रांचेस और ओवरसीज कॉरेस्पॉन्डेंट कोई पाकिस्तानी बैंक्स के हैं तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई की स्पेसिफिक अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके अंदर रुपी अकाउंट के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है फंडिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट बैंक, कि उनके अंदर पैसा किस तरीके से डाला जाएगा। तो एटी कैटेगरी वन ब्रांच क्या कर सकते हैं, वो फॉरेन करेंसी खरीद सकते हैं एंड फॉरेन करेंसी गेन जो पैसा पे होगा वो आप इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा सकते हैं। बट जो आप फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो, एक तो वो मार्केट रेट के ऊपर होनी चाहिए, सेकंड आप जो वो पैसा खरीद रहे हो आपकी बोनाफाइड नीड्स के लिए होना चाहिए, जनरल नीड्स के लिए होना चाहिए, ना कि कोई स्पेक्युलेटिव व्यू के लिए होना चाहिए। इन केस आपको कोई स्पेक्युलेटिव व्यू फाउंड होता है तो आपको क्या करनी है, उसकी आरबीआई को रिपोर्टिंग कर देनी है। उसके बाद फंडिंग के केस के अंदर आपको डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन परमिसेबल नहीं है, फॉरवर्ड परचेज और फॉरवर्ड सेल की ट्रांजेक्शन परमिटेड नहीं करी जाएंगी। उसके साथ साथ जब आप फॉरेन करेंसी खरीदते हो नॉर्मल वे में दो कोड्स आपको दिए जाते हैं, बाइंग एंड सेलिंग के कोड्स, बट रुपी अकाउंट के केस में जब आप फॉरेन करेंसी खरीदोगे आपको टू वे कोड्स देने की परमिशन नहीं है। उसके बाद रुपी अकाउंट के केस में ट्रांसफर किस तरीके से करे जा सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इतना सेम बैंक और डिफरेंट बैंक क्या है, फ्रीली परमिटेड है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा फ्रीली ट्रांसफर करा जा सकता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ रुपी इनटू फॉरेन करेंसी, रुपी अकाउंट के अंदर जो आपका पैसा पड़ा है उसको आप फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करवा के अपनी कंट्री में वापस ले जा सकते हो, वो फ्रीली परमिटेड है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। बट जो भी ट्रांजेक्शन होगी आपको उसको फॉर्म ए टू के अंदर रिपोर्ट करना है, एंड जो भी डेबिट्स करे जाएंगे इन द रुपी अकाउंट उसको आपको फॉर्म ए थ्री के अंदर रिपोर्ट करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग एंड रिसीविंग बैंक, कि जो भी पेइंग बैंक है, जो भी रुपी अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करवा रहा है उसकी ये जिम्मेवारी है जो भी रेगुलेशंस है उनका पालन किया जाए, उनको कंप्लाई करा जाए, एंड इन सबकी डिटेल्स फॉर्म ए वन ए टू जहां जो फॉर्म एप्लीकेबल है उसके अंदर करेक्टली फर्निश करी जाए। उसके बाद रिफंड ऑफ रुपी रेमिटेंसेस में आता है कि रुपी रेमिटेंसेस का रिफंड करा जा सकता है, बट हमें ये इंश्योर कराना है कि जो ये रिफंड दिया जा रहा है वो कंपनसेटरी नेचर का नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद आता है ओवरड्राफ्ट और लोन टू ओवरसीज बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट बाय एडी वन बैंक, कि जो भी पैसा रुपी अकाउंट में पड़ा है उसके अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट और लोन की फैसिलिटीज किस तरीके से प्रोवाइड करी जा सकती हैं, एंड करी भी जा सकती हैं या नहीं करी जा सकती, हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि आप एडी कैटेगरी वन ब्रांचेस को ये अलाउ कर दिया गया कि आप क्या कर सकते हो, पेमेंट्स कर इन अकाउंट्स के बैलेंसेस के थ्रू अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, ओवरड्रॉल्स, टेम्परेरी ओवरड्रॉल्स प्रोवाइड कर सकते हो, बट उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी गई है कि आपके पास जितने भी अकाउंट्स हैं उनका जितना आउटस्टैंडिंग है उससे आप 500 लाख से ज्यादा के ओवरड्रॉल्स परमिट नहीं कर सकते। ठीक है,
आप जो ये फंड जो ये पर्पस दोगे वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन नीड्स के लिए होना चाहिए, डिले फंडिंग ऑफ अकाउंट्स के लिए फैसिलिटी यूज नहीं होनी चाहिए। इन केस आपने लिमिट एक्सीड करी है एंड वो 5 डेज के अंदर अंदर एडजस्ट नहीं करी गई है, तो आपको उसकी क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। कब तक करनी है? विद इन द 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, एंड उसके अंदर आपको रीजंस भी स्टेट करने हैं कि पहली बात तो लिमिट एक्सीड क्यों हुई, एंड एक्सीड हुई तो 5 डेज के अंदर एडजस्ट क्यों नहीं करवाई गई। उसके बाद इन केस आपके अरेंजमेंट्स है फॉर द वैल्यू डेटिंग, तो उस केस में आपको रिपोर्टिंग देने की जरूरत नहीं है। इन केस कोई बैंक जो भी स्पेसिफाइड लिमिट हमने 500 लाख वाली पढ़ी उससे ज्यादा की क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहता है तो उसको क्या करना है, आरबीआई से अप्रूवल पहले लेनी पड़ेगी। उसके बाद आता है इंटर बैंक फॉरन एक्सचेंज डीलिंग्स की, दो बैंक आपस में फॉरन एक्सचेंज की किस तरीके से डीलिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करना है, जो भी ऑथराइज डीलर बैंक होंगे उनके डायरेक्टर्स को एक पॉलिसी बनानी है, सुटेबल लिमिट्स फिक्स करनी है। जो लिमिट्स फिक्स करी जाएंगी, लिमिट्स विल बी रिगार्डिंग टू द नेट ओवरनाइट ओपन एक्सचेंज पोजिशन एंड एग्रीगेट गैप लिमिट्स, ठीक है। जब ये दोनों लिमिट्स फिक्स हो जाएंगी, जब उसकी बोर्ड अप्रूवल दे देगा, तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी उसको आरबीआई को कम्युनिकेट भी कर देना है कि हमारे डायरेक्टर्स ने ये लिमिट्स ये अप्रूव करी थी एंड हम ये हम आपको बता रहे हैं कि हम इस लिमिट्स के अंदर रहते रहते अपना वर्क करने वाले हैं। तो लिमिट्स रहते रहते इन लिमिट्स के अंदर रहते रहते बैंक्स कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं? सो बैंक्स विद अदर कैटेगरी वन ब्रांच इन इंडिया के साथ क्या कर सकते हैं, फॉरन करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, स्वैप करा सकते हैं अगेंस्ट रूपीज और एनी अदर फॉरन करेंसी। उसके अलावा फॉरन करेंसी के अंदर डिपॉजिट देना लेना और या लोन देना और लेना दोनों भी कर सकते हैं। उसके बाद विद बैंक्स ओवरसीज एंड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनके साथ क्या करा जा सकता है, बाइंग सेलिंग स्वैपिंग ऑफ फॉरन करेंसी अगेंस्ट अनदर फॉरन करेंसी, ताकि वो अपनी क्लाइंट ट्रांजेक्शन को कवर कर सके या अपनी पोजिशंस को एडजस्ट कर सके। उसके साथ साथ फॉरन जो ओवरसीज बैंक होंगे उनके साथ इंटरबैंक ट्रांजेक्शन करी जा सकती हैं, ताकि ओवरसीज मार्केट के अंदर क्या करी जा सके, ट्रेडिंग पोजीशन को इनिशिएट करा जा सके, ट्रेडिंग पोजीशन को एग्जीक्यूट करा जा सके, ठीक है। इन केस के अंदर जो भी इंटरबैंक ट्रांजेक्शन होंगी उसके अंदर उसकी डिटेल आपको फॉर्म A2 के अंदर देने के अंदर जरूरत नहीं है, बट ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपको आर रिटर्न के अंदर तो फर्निश करनी ही है, ठीक है। सो ये था हमारा सेकेंड पार्ट अबाउट द नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है दैट इज डिपॉजिट एंड अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। अभी हमने पिछले जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं हमने नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा यूज किए जाने वाले काफी अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था, लाइक एनआरई, एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट एटसेट्रा। उन सभी अकाउंट्स की डिटेल को हम इस टॉपिक के अंदर, इस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वो डिपॉजिट और अकाउंट्स मेंटेन करना चाहता है तो वो उसको रेगुलेट कौन करता है? एक तो फैमा एक्ट 1999 एंड फैमा रेगुलेशंस रिगार्डिंग डिपॉजिट्स 2000। तो बेसिकली ये रूल्स एंड फैमा की एक्ट क्या करते हैं, इस चीज को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये रेगुलेशंस क्या कहती हैं कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है एनआरआईस, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओस एंड फॉरेन नेशनल्स ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन्स क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स किस किस तरीके से मेंटेन करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है वो हमें फैमा एक्ट एंड फैमा रेगुलेशंस रिगार्डिंग डिपॉजिट्स फॉर द ईयर 2000 क्या करती हैं, बताती हैं, ठीक है। फॉर एनआरआईज एंड पीआईओस क्या करे गए हैं, सर्टन टाइप ऑफ अकाउंट्स नोटिफाई करे गए हैं कि ये लोग इस तरह के अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। उन अकाउंट्स को हम आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इन अकाउंट्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले जो हमारे पास चीजें आती है दैट इज सर्टेन डेफिनेशंस, कि हम कुछ डेफिनेशंस को सीख लेते हैं ताकि आगे जाने वाला टॉपिक हमारे लिए समझने इजी हो जाए। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है दैट इज ऑफ द ऑथराइज्ड बैंक। सो हु इज ऑथराइज्ड बैंक? ऑथराइज्ड बैंक इज अ बैंक इंक्लूडिंग अ कोऑपरेटिव बैंक ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक टू मेंटेन एन अकाउंट ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। कि कोई भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो अगर अकाउंट खुलवाना चाहता है तो उस अकाउंट को खोलने की परमिशन जिस बैंक को दी गई है उसको हम बोलने वाले हैं ऑथराइज्ड बैंक। नेक्स्ट आता है ऑथराइज्ड डीलर। ऑथराइज्ड डीलर जो हम पहले पढ़ के आए थे कि जो फॉरेन करेंसी के अंदर ट्रांजेक्शन्स को इनिशिएट करा सकता है उनके थ्रू ही फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं उसको ऑथराइज्ड डीलर कहते हैं। सो उसकी जो प्लेन डेफिनेशन है दैट इज ऑथराइज्ड डीलर इज अ पर्सन ऑथराइज्ड एज एन ऑथराइज्ड डीलर अंडर द सेक्शन 10 ऑफ फैमा। तो फैमा एक्ट का जो सेक्शन 10 है वो जिस पर्सन को ऑथराइज्ड डीलर बनने की परमिशन दे देता है उसको ऑथराइज्ड डीलर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास था डिपॉजिट। अब हम कहने वाले हैं कि आप डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन कर लेते हो तो उसकी बेसिकली डिपॉजिट की डेफिनेशन क्या हुई। सो डिपॉजिट इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ मनी विद अ बैंक कंपनी प्रोप्राइटरी कंसर्न पार्टनरशिप फर्म कॉर्पोरेट बॉडी ट्रस्ट और एनी अदर पर्सन। भी किसी भी पर्सन के साथ अगर आपने डिपॉजिट ऑफ मनी करा उसको डिपॉजिट की डेफिनेशन के अंदर कवर किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है दैट इज द नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन एक ऐसा बंदा होता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होता है बट इंडिया का रेजिडेंट नहीं होता, ठीक है। एक पर्सन सिटीजन कब है, लाइक हम एक एग्जांपल से लें, सपोज मैं हूं, मैं इंडिया के अंदर पैदा हुआ
तो मैं क्या ऑब्वियसली यूजिंग थ्रू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर यूएसए के अंदर रह रहा हूँ सपोज फॉर द पर्पस ऑफ माई एम्प्लॉयमेंट, एंड मैंने इंडिया के अंदर लेट इट बी मैंने यूएसए के अंदर अपने 300 डेज स्पेंड करे, ठीक है। ओनली मैं क्या था इंडिया के अंदर 65 डेज के लिए था, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ, मैं सिटीजन तो हूं इंडिया का क्योंकि मेरे पास सिटीजनशिप इंडिया की है, बट मैं रेजिडेंट किसका बन जाऊंगा, यूएसए का, क्योंकि मैं इंडिया के अंदर स्टे रहा ही नहीं। तो इंडिया के अंदर आप कितने दिन रहे हो उसके बेसिस पे ही एक्चुअली डिसाइड होता है कि आप रेजिडेंट हो या नहीं हो, ठीक है। तो अगर मैं इंडिया के अंदर रहा ही नहीं तो ऑब्वियसली मैं उसका रेजिडेंट भी नहीं हूं, तो बट मैं सिटीजन हूं। तो इस केस में जो मेरी डेफिनेशन होगी एसजी की डेफिनेशन क्या होगी, एसजी इज एन एनआरआई, कि वो बंदा है तो सिटीजन इंडिया का बट इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है, दैट इज ऑफ द पीओआई, पीआईओस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट एक बार फिर से देख लेते हैं। पीआईओस कौन होते हैं, पीआईओ इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान और सच कंट्री एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब ऐसा बंदा जो है तो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर का किसी कंट्री का रेजिडेंट है, बट वो बांग्लादेश पाकिस्तान और कोई भी कंट्री जो नोटिफाई करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका सिटीजन नहीं है, एंड उसके ऊपर कुछ कंडीशंस है, तो अगर वो कंडीशंस को फॉलो करता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, सबसे पहले हु वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द सिटीजनशिप एक्ट, कि वो इंडिया का सिटीजन था। सेकंड, हु बिलोंग टू द टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द डे 15th of August 1947, कि पार्टीशन के बाद वाली टेरिटरी का अगर वो पर्सन पहले पार्ट था। सेकंड, हु इज द चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन रेफर टू इन क्लोज ए और बी। मतलब या तो आप इंडिया के कभी सिटीजन थे या आप जो टेरिटरी इंडिया की बनी थी आफ्टर पार्टीशन उससे बिलोंग करते थे, या इन लोगों के बिलोंग करने जो पर्सन इनसे बिलोंग करते थे ए या बी कैटेगरी के अंदर फॉल आते थे, आप उनके चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड हो या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, तो भी आपको क्या कहा जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसके अलावा आप ना ए कैटेगरी में आते हो ना बी में आते हो या सी में आते हो, बट आप ए या बी या सी आने वाले कैटेगरी वाले किसी भी बंदे के स्पाउस हो, उससे उसके आपकी शादी हुई है, तो भी आपको क्या कहा जाएगा कि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए 10 out of 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई सूट ऐप डाउनलोड करके वहाँ ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको WhatsApp टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030, एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।